अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सेकंड लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज हम ना टॉपिक ये हमारा प्रोनाउंस के मतलब है। तो बेसिकली कि ना प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, और फिर उसका ना मज़ीद आगे चीज़ें हम देखेंगे, काइंड्स, और जो लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन वो हम, ठीक है, आज मतलब कंसेप्ट लेंगे। तो बाकी डिटेल में हम ना नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ना देख लेंगे। तो प्रोनाउंस बेसिकली होते हैं क्या, वर्ड डैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, मतलब कोई भी, ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं ना, जो हम ना जो ना नाउन की ना जगह इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह एग्जांपल है, ये हमने इसलिए करते हैं ना ताकि ना मतलब ऑकवर्ड ना लगे सिचुएशन, या फिर बोलने में आसानी रहे। जिस तरह एग्जाम्पल, अगर बाद बार बार मैं ना, ठीक है, हमजा हमजा पुकारता रहूँगा, ये उसामा उसामा पुकारता रहूँगा, तो जो सुनने वाला है वो भी ना, ठीक है, लिसनर भी ना एक ऑकवर्ड सिचुएशन और इरीटेट हो सकता है। तो इसलिए हम ना, ठीक है, ये प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ठीक है, द नाउन डैट इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। मतलब पहले ना, ठीक है, ऊपर बताया कि प्रोनाउन बेसिकली होते हैं क्या, वो जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, और द नाउन डैट इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। बेसिकली एंटीसीडेंट क्या होता है, ठीक है, जो सा जिसमें एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि उसामा या हमजा की जगह ना हम अगर ये प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो उसामा और हमजा इसमें ना, ठीक है, एंटीसीडेंट्स हैं। आप देखें नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, शाहिद सेज दैट ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। अब इसमें क्या, जो शाहिद है, ठीक है, वो हमें पता लग रखी है, वो ना, ठीक है, नाउन है, क्योंकि किसी नाम चीज़ का नाम है, ठीक है, बंदे का नाम है। और उसके बाद यहाँ पे जो ही इस्तेमाल हुआ है वो प्रोनाउन है, लेकिन ये जो शाहिद है वो एंटीसीडेंट है। तो इसमें ये देखें, ही इज़ अ प्रोनाउन यूज फॉर द नाउन, ठीक है, जैसा देखें ही जो प्रोनाउन है, जैसे मैंने बताया कि वो शाहिद नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद शाहिद इज़ द एंटीसीडेंट ऑफ द ऑफ ही, ठीक हो गया। तो ये चेक करें, इसी मतलब दो ही इजी सी ना, इसमें अभी बेसिकली ना चीज़ें अभी कोशिश करूँगा आपको आसान वर्ड्स में ना एक्सप्लेन करूँ। और उसके बाद द चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स दे बॉट यस्टरडे, मतलब क्या, ठीक है, ये जो स्टूडेंट चिल्ड्रन है, ठीक है, वो ना रीड कर रहे हैं किसको, द बुक्स को, दे बॉट यस्टरडे, उन्होंने यस्टरडे खरीदी थी। द वर्ड दे, ठीक है, इज़ प्रोनाउन यूज फॉर द नाउन चिल्ड्रन। जैसे आपको पता है, ठीक है, ये जो चिल्ड्रन है ये भी किसी चीज़ से, और बंदों बच्चों का नाम है, तो वो फिर ना, ठीक है, नाउन होगा। और उसके बाद ये उनको ना हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए यहाँ पे दे, तो ये चक्कर है। फिर चिल्ड्रन इज़ एंटीसीडेंट ऑफ दे, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग्स की स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आ गया। सबसे पहले काइंड हमारे पास कौन सी है, पर्सनल प्रोनाउन। फिर उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड सेवन है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, द पर्सनल प्रोनाउन। अवर डैट स्टैंड फॉर अ पर्सन, मतलब इसमें ना, ठीक है, जो डायरेक्टली, ठीक है, किसी को मुखातिब करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम ना इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम देखें आई वी यू ही दे, ठीक हो गया, ये सब्जेक्ट को ना, ठीक है, डायरेक्टली मतलब ना इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, ठीक है, तो पुकारने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या, द वर्ड डैट पॉइंट्स टू थिंग्स ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस दीज डैट, मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए ना, ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह मतलब एग्जाम्पल है दिस इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर, तो मतलब यह इस यहाँ पे ना किसी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दिस का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह की मतलब चीज़ें ना आप ये आपको ना, ठीक है, काफ़ी ऐसे में हेल्प आउट करेगा वो एग्जामिनर के ना, ठीक है, माइंड में आपका पॉजिटिव इमेज ना क्रिएट करने में, तो क्योंकि चीज़ें आप ना रिलेट करेंगे इससे कि जस्ट के ना, ठीक है, हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये वो चीज़ें मतलब ना वो काफ़ी रिलेट करने में ना, ठीक है, आपको ना ये आसानी होगी, तो ये चक्कर है। फिर उसके बाद थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, अवर्ड डेट रिलेट्स द आइडिया बैक टू सम नाउन, मतलब इसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो जो है, ठीक है, जिसमें हम कोई आइडिया होता है ना या कोई बात है उसे ना, ठीक है, मतलब ऊपर की गई बातों से हम ना रिलेट करते हैं, जिस तरह एग्जाम्पल इसमें क्या है, विच हु होम डैट भी आता है, वट भी आता है, ठीक हो गया, ये मतलब इसमें ना हम ना स्टडी करेंगे।
फिर उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसमें क्या वर्ड डैट इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल व्हाट हु होम विच, इसमें मतलब ना ठीक है वो है करते हैं ठीक है क्वेश्चन ना ठीक है इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब व्हाट आर यू डूइंग या फिर इस तरह की ना या फिर एग्जांपल है विच की हम ले सकते हैं ठीक है, ही बिकेम व्हाट ही डिटेस्टेड, तो वो मतलब इसमें ना सिनेरियो से आते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोनाउन आपको ना ये रिफ्लेक्स ना ठीक है ये वर्ड से ही पता मतलब हमें पता चल जाता है कि कोई चीज़ ना रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो इसमें क्या वर्ड डैट रेफर्स टू द रिफ्लेक्शन टर्निंग बैक ऑफ एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब इसमें ना ठीक है जो हम जो सब्जेक्ट है ना उसी की तरफ ही ना चीज़ को ना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बैक, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये मतलब चीज़ें हैं जिस तरह मतलब को अहमद किल्ड अलाइम हिम सेल्फ या फिर इस तरह के मतलब जो चक्कर हैं, तो इस इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या अवर्ड डैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल ईच, आइदर, नीदर, तो इस तरह के जो है ना ठीक है मतलब एक चीज़ को ना एट अ टाइम एक ही ना मतलब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने में ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें सीन है। फिर उसके बाद सेवन कौन सा हमारे पास आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये मतलब जनरली ना ठीक है सब कोई ना मतलब मुखातिब करने के लिए ना किया जाता है ठीक है, जिस तरह देखें रेफर्स टू समथिंग इन अ जनरल वे, फॉर एग्जांपल ऑल, वन, सम बॉडी, नो बॉडी, तो जिस तरह अक्सर को आते पुलिस जब इंसिडेंट क्राइम सीन पे पहुंचती है तो वो कहती है नो मेक श्योर नो बॉडी कैन एस्केप ठीक है, तो ये मतलब सिनेरियो हम ना यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ, वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस अभी ऊपर जो पढ़े हैं ना हमने तो कंसेप्ट लिए इन्हीं को ना ठीक है थोड़ा मतलब इनकी एलबोरेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन अवर डैट स्टैंड फॉर अ पर्सन, इट कैन स्टैंड फॉर थ्री पर्सन, मतलब जैसे कि आपको भी पता होगा कि ना ठीक है तीन पर्सन होते हैं, पहला बंदा ठीक है फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है और थर्ड पर्सन जिसके मुतल्लिक बात हो रही है, तो जिस तरह मतलब ये कोट भी है ना कि जब कोई बंदे ना ठीक है बात कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, और ये ना ठीक है वो मैं बात असल में किसी थर्ड बंदे के मुतल्लिक ही करते हैं, तो वो जो थर्ड बंदा है ना वो इसमें ना ठीक है आता है, जिस तरह फर्स्ट पर्सन ठीक है स्पीकिंग पर्सन, आई, वी, मी ठीक है आस मतलब अपने बंदे ठीक है जो मतलब बात कर रहा है, एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट जो सा होता है, फिर सेकंड पर्सन ठीक है पर्सन स्पीकिंग टू ठीक है मतलब जिससे बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन ठीक है पर्सन स्पीकिंग ऑफ जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं, ही, शी, इट ठीक है दे, मतलब ये वाले सारे सिनेरियोज हैं जिस तरह मतलब हम कह सकते हैं कि आपने सुना है ठीक है दे मैरिड, तो वो मतलब सिनेरियो किसी की तीसरे के मतलब इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिर रूल्स ऑफ यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस के हैं ठीक है एस फॉर सब्जेक्ट एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट ठीक हो गया, जिस तरह देखें यहाँ पे हमने रूल्स क्या लिखे हैं ठीक है, सबसे पहले आई है, जहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आई होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी होगा, और यहाँ पे यू यू कांस्टेंट रहता है, ही होगा तो हिम हो जाएगा, और उसके बाद शी है तो हर हो जाएगा, इट सेम रहेगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू यहाँ पे भी सेम है, उसके बाद दे है तो देम हो जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट में ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, जिस तरह देखें ही हेल्प्स मी, यहाँ पे देखें यहाँ पे ही है और वहाँ पे मी है ठीक हो गया, तो ये मतलब रहता ना ठीक है उसने मेरी मदद की है, तो दे को ना ठीक है हमने गिव हर अ पेन कर दिया, या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हैं दे गिव देम अ पेन या फिर पेंस, तो ये मतलब सिनेरियोज है। तो उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउंस आ जाएंगे, इसमें क्या शोज ऑनरशिप ऑफ अ पर्सन कम्स इन टू फॉर्म्स, पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव, आपको पता है ठीक है एडजेक्टिव है नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, नाउन को ना ठीक है ना कि ज़्यादा एलोब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो और प्रोनाउन होता है ठीक है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो अब मैं आगे ना ठीक है हम मैं इसलिए ये बात आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपके ना जहन में मतलब ये सारे सिनेरियोज आ जाएं कि ना हम कैसे मतलब उसकी शिनाख्त किस तरह मतलब कर सकते हैं ठीक है, कैसे हमें मतलब ना डिफरेंस क्या हो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये थोड़ी है थोड़ी बहुत समझे कि छोटी चीज़ें हैं बारीक नुकते हैं लेकिन क्या ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट ना डाल सकते हैं
हाँ, क्योंकि एमसीक्यूज आपको पता ही है, तो वो एक थोड़ा बहुत रिस्की ही सिनेरियो हो जाता है एमसीक्यूज का। तो फिर उसके बाद देखें यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेट ये यहाँ पे एडजेक्टिव में यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे देखें, माई, योर, हिज, हर, अवर, योर, देयर, इट्स। और यहाँ पे देखें प्रोनाउन में क्या आएगा, माइन, योर, हिज, हर्स, अवर्स, योर्स, देयर्स, इट्स। तो ये मतलब सिनेरियोज आएंगे। तो आगे हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो दिस इज़ माई बुक, डैट इज़ योर्स। तो उसके बाद ना ये देखें, माई इज़ यूज बिफोर अ नाउन। ये देखें बुक है वो ना, ठीक है, नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, तो उसके पहले ना, ठीक है, माई इस्तेमाल हुआ है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ये ना, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आ जाएगा, डैट इज़ योर्स। अब ये देखें योर्स है ना, यहाँ पे ज़्यादा फोकस ना, ठीक है, उस पे है कि किसी चीज बंदे के पे या किसी पोजेशन पे है, ठीक है, तो वो फिर आ जाएगा, ठीक है, वो उसमें क्या नाम है, प्रोनाउन में। फिर उसके बाद दिस इज़ माई बुक, ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी देखें, ये बुक नाउन से पहले आया है, ठीक है, तो ये फिर पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, यहाँ पे ना, ठीक है, ये ज़्यादा फोकस किया कि ये माई मेरी है, ठीक है, ये फिर प्रोनाउन में आ जाएगा। तो सिंपल से रूल यही है अपने जहन में रखना है कि जो भी चीज़ें ना, ठीक है, नाउन से पहले मतलब आती है ना, तो वो फिर ना होता है ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और जो मतलब किसी बंदे पे के साथ लिंक की जाती है, जो स्ट्रेस ज़्यादा किया जाता है कि किसी बंदे की तरफ मुंसलिक है, तो वो फिर ना आपका ना प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा, डैट इज़ योर शर्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या है, दिस शर्ट इज़ योर्स, पोजेसिव प्रोनाउन। ये अब ये देखें, ठीक है, ऊपर इन दोनों में कंपेयर कर लें, ये देखें, ठीक है, शर्ट है वो भी नाउन था, इसलिए ना, ठीक है, वो एडजेक्टिव में आ गया। अब यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है कि ना ये शर्ट तुम्हारी है, ठीक है, तो वो फिर ना, ठीक है, किसी बंदे की तरफ ज़्यादा मुंसलिक है, ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इसीलिए ये ना प्रोनाउन में आ जाएगा, दिस हाउस इज़ देयर्स। अब यहाँ पे देखें ज़्यादा फोकस हाउस पे नहीं है, ज़्यादा फोकस किया है देयर्स, मतलब उनका ये घर है, ये घर है, ये उनका है, तो ये किसी बंदे को ना मतलब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें आ जाएंगे। तो इट इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट सम एक्शन टू वन वन हिमसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल, अहमद किल्ड अ लायन हिमसेल्फ। यहाँ पे देखें, ठीक है, जोर दिया जा रहा है कि ना, ठीक है, उसकी तरफ के ना, अहमद ने ना, ठीक है, शेर को खुद मारा, तो वो मतलब ना, ठीक है, इस तरह के सिनेरियोज आ जाएंगे। सिंगुलर में देखें, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। प्लूरल में देखें, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ। ये मतलब सिनेरियोज ना आ जाएंगे। अब यहाँ पे दो ना मतलब डिफरेंस भी आ गए ना, ठीक है, मैंने लिखे हैं, तो उसमें ये देखें, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और एक एम्फेटिक ना प्रोनाउन होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिंपल सा ये है, ठीक है, एक है वो ना, ठीक है, उसके मतलब किसी सब्जेक्ट की तरफ ना बैक टू हिमसेल्फ कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या है, जो इस ओन सब्जेक्ट, मतलब इसमें ना ये सिंपल सी डिफरेंस ये होता है कि ये कहते हैं कि दे डिग्रेडेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को मतलब किया, कोई भी एक्शन है उनकी तरफ मुंसलिक किया जाता है, और इसमें क्या, ठीक है, ही विल डू इट हिमसेल्फ, मतलब इसमें ना मतलब पॉजिटिव अप्रोच की जाती है कि ना, ठीक है, ये काम ये उसका काम है और उसी को करना है और वो करेगा भी, ठीक है। तो इस तरह के मतलब चीज़ें ना, ठीक है, इसमें ना की जाती हैं, जब ना, ठीक है, एम्फेसिस ना सब्जेक्ट पे होता है तो वो फिर एम्फेटिक आ जाता है प्रोनाउन, और जब ना, ठीक है, उसमें बात की गई, कोई एक्शन किया जाता है, कहा जाता है कि ये ना, ठीक है, उसने शेर को मारा या फिर इस तरह के कोई सिनेरियोज हैं, तो वो फिर ना इसमें ना आ जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें इसका सिनेरियो ये है कि जैसे कि ना हमने पहले बात की थी कि ना, ठीक है, ये आइडियाज़ को ना, ठीक है, वह बैक करता है नाउन की तरफ, और इसमें ना मतलब डिफरेंट ना आ जाते हैं, ठीक है, हु, हुम, हुज, विच, डैट, व्हाट। तो ये ना मतलब जस्ट ना इसका कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे, बाकी ये ना थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा, इसमें काफ़ी डिटेल वाली चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ना डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख लें, दी मैन हु इज़ हॉनेस्ट इज ट्रस्टेड, मतलब ये ना इसमें ना हु का बेसिकली आप समझ लीजिए सब्जेक्ट के लिए कि यूज़ किया जाता है, ठीक है,
फिर उसके बाद ही इज़ दी मैन हुज़ नेम वी डू नॉट नो, ये मतलब कि किसी ना उसकी तरफ बंदे की तरफ मुंसलिक किया गया कि जिसका, ठीक है, ही इज़ दी मैन हुज़ नेम वी डू नॉट नो, ठीक है, जिसका नाम हमें नहीं पता। द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, विच वैसे बहुत सी समझो ना चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या कि यहाँ पे ना ठीक है, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, उसमें मतलब मोमेंट के ना मुतल्लिक़ की एलिब्रेशन के लिए ना यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बाज़ अवक़ात होता है पूरी की पूरी जो थी ना होती है ना क्लॉज होती है उसको उसके लिए ना ठीक है विच इस्तेमाल कर देते हैं। आई नो द हाउस डैट ही लिव्स इन, अब ये घर की तरह के लिए जो ना ठीक है मज़ीद एलोब्रेशन है उसके लिए यहाँ पे ना ठीक है ये डैट इस्तेमाल किया गया। ही बिकेम वट ही डिटेस्टेड, इसमें जो वट है ना ये भी ना मतलब पूरी की पूरी ना उसके लिए वजह को ना ठीक है डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ये इसके भी बहुत से समझिए केसेस हैं, वो आके हम इंशाल्लाह ना ये सारी चीज़ें ना वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इसलिए नहीं की क्योंकि ये ना बहुत मतलब लेंथी हो जाता लेक्चर, तो इंशाल्लाह फिर ना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।